Hello everyone. Today we will continue our chapter 5th Indigo, and you can see the main points on the board. Yesterday we were discussing that there was a conflict between the sharecroppers, Indian sharecroppers, and the British landlords, and at that moment Gandhiji arrived at Champaran, right? Aur aaj आगे हम देखते हैं कि गांधी जी विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन बट डिनाइड एज ही वॉज एन आउटसाइडर. गांधी जी जो थे वहाँ पर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो शेयर क्रॉपर्स को जो है वो जस्टिस दिलाएंगे, और इसीलिए वो कहाँ गए, ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, एंड वहाँ पर उन्होंने जो ब्रिटिश एसोसिएशन थी, उन्होंने वहाँ पर गांधी जी के साथ कुछ भी शेयर करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया. वाई? बिकॉज ही दे कंसिडर्ड हिम एज एन आउटसाइडर, राइट? एंड गांधी जी ने यही कहा वहाँ पर कि ही वॉज नॉट एन आउटसाइडर. और उसके बाद गांधी जी जो है वो कहाँ गए, ही वेंट टू ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुट डिवीज़न. तिरहुट डिवीज़न जो कि उस समय वहाँ पर मेन, यू कैन से वहाँ पर वो कैपिटल थी, और वहाँ पर वो गए और वहाँ पर उन्होंने क्या पूछा, ही आस्क्ड फॉर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स. लेकिन वहाँ का जो कमिश्नर था, ही बुलीड गांधी जी एंड आस्क्ड हिम टू लीव तिरहुट, राइट? बट गांधी जी डिसओबेड. गांधी जी जो है उनकी, उन्होंने ये बात मानने से मना कर दिया. बल्कि इसके बाद वो कहाँ चले गए, ही वेंट टू मोतिहारी. ही वेंट टू मोतिहारी. और जब वो मोतिहारी गए तो एक बहुत बड़ा मल्टीट्यूड का मीनिंग होता है, मल्टीट्यूड इज हेयर अ ह्यूज क्राउड, ग्रीटेड हिम एट द रेलवे स्टेशन. जो मोतिहारी था वो उस समय मेन सेंटर था, हेडक्वार्टर था चंपारण का, और वो वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने ही विजिटेड सर्टेन villagers who were maltreated by the British officials. और एक बार उन्होंने ऐसी ही न्यूज़ सुनी कि कहीं पर किसी विलेजर को, शेयर क्रॉपर को जो है maltreated किया गया है, और गांधी जी उससे मिलने जा ही रहे थे कि रास्ते में जो है सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने उनको रोक लिया और उन्हें वापस जाने के लिए कहा, और गांधी जी ने ऐसा ही किया, वो वापस चले गए. और उसके बाद जो मैसेंजर था, उन्होंने क्या कहा, एक लेटर दिया सुपरिटेंडेंट का टू लीव चंपारण, बट गांधी जी ने उसको रिसीव कर लिया और उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा, दैट ही डिसओबेड द ऑर्डर. यानी गांधी जी ने फिर से जो है वो चंपारण को छोड़ने से मना कर दिया, ही डिनाइड टू क्विट चंपारण, राइट? और इसका रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंटली ही रिसीव्ड समन्स. समन्स क्या होते हैं, कोर्ट में पेश होने का ऑर्डर होता है. और गांधी जी को जो है वो, उन्होंने रिसीव किया, गांधी जी को जो है वो समन भेजे गए टू अपीयर इन द कोर्ट द वेरी नेक्स्ट डे. और गांधी जी जो है उन्होंने जो उनके फ्रेंड्स लॉयर्स थे, उन सभी को जो है टेलीग्राम कर दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी कि उन्हें कोर्ट में पेश होना है. और इसका रिजल्ट क्या हुआ, अगले दिन जब वो कोर्ट में गए, ही फाउंड मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स. इतने सारे थाउजेंड्स की संख्या में, थाउजेंड्स के नंबर में जो है वहाँ पर जो पीजेंट्स थे वो इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि जो उनकी, उनके लिए लड़ने के लिए आया है गांधी जी, जो उनके लिए लड़ने के लिए आया है, ही वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, राइट? एंड दिस वॉज देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन अराउंड द कोर्ट हाउस. और वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, दैट दे वर शोइंग देयर demonstration that they are against this thing, right? इसके बाद हम देखेंगे, it was the beginning of their liberation from the fear of Britishers. और जो वो demonstration कर रहे थे, जो peasants जो थे वो demonstration कर रहे थे court house के बाहर, तो गांधी जी ने यही कहा कि ये उनकी शुरुआत है, that they are liberating themselves from the fear of Britishers. अब वो Britishers के डर से बाहर आने लगे थे, अब वो जो है, अब उन्हें जो है वो, कि कोई भी गलत उनके साथ कुछ होता था तो अब वो उसके अगेंस्ट जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते थे, राइट? आगे हम देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने इतनी बड़ी संख्या में पीजेंट्स को देखा, उनके डेमोन्स्ट्रेशन को देखा,
गवर्नमेंट बैफल्ड. बैफल्ड का मीनिंग क्या होता है? गवर्नमेंट जो है वो कन्फ्यूज हो गई कि वो क्या करें, राइट. द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. और जो प्रोसिक्यूटर था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. एंड ही रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. उन्होंने क्या कहा कि पोस्ट जो ट्रायल है गांधी जी का, उसको पोस्टपोन किया जाए. और apparently the authorities wished to consult their superiors. They wanted to consult their superiors कि वो इस सिचुएशन में क्या करें, राइट. एंड गांधी जी जो थे वो बार बार इस डिले के अगेंस्ट कह रहे थे कि उनकी गलती है तो उन्हें जो है वो पेश किया जाए. और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बात मानी कि वो किस चीज़ की, उनकी गलती किस चीज़ की थी, दैट ही वॉज फाउंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़. और उन्होंने क्या कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ उन्होंने क्यों किया. ऐसा नहीं है कि उनके मन में कहीं भी कानून को लेकर जो है वो कोई भी उनके मन में रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो खुद एक लॉयर थे. और उन्होंने क्या कहा कि वो, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, क्योंकि वो जो है वो मानवता और राष्ट्र की सेवा करना चाहते थे. ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा कि वो चंपारण को छोड़कर इसलिए नहीं गए क्योंकि वो मानवता और राष्ट्र की सेवा करना चाहते थे. और इसके बाद ही उन्होंने क्या कहा कि वो चाहते हैं कि अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे उस चीज़ का जो है वो दंड मिले, राइट. हिज पेनल्टी इज़ ड्यू. जो मजिस्ट्रेट था उसने क्या कहा कि वो 2 घंटे की जो है वो रिसेस चाहता है. रिसेस उसने डिक्लेयर कर दी. और उन्होंने गांधी जी से क्या कहा कि वो 2 घंटे की बेल ले ले, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया. और इसका रिजल्ट क्या निकला कि उन्होंने गांधी जी को बिना बेल के ही छोड़ना पड़ा, राइट. और उसके बाद जो है दोबारा से 2 घंटे के बाद दोबारा से जब कोर्ट का सेशन शुरू हुआ तो भी जज जो है वो कोई जजमेंट डिलीवर नहीं कर पाया और गांधी जी को अलाउ कर दिया गया टू रिमेन एट लिबर्टी. सो दिस वॉज द थिंग, मतलब जो अथॉरिटीज़ थी वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गई कि क्या करें, राइट. उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करें. और इसके बाद जो गांधी जी थे उन्होंने अपने लॉयर्स से, जो उनके लॉयर फ्रेंड्स थे, उनसे पूछा. और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वहाँ पर मौजूद थे, उनसे मीटिंग की. और उन्होंने पूछा कि अगर गांधी जी जेल चले जाते हैं तो जो लॉयर्स हैं वो क्या करेंगे. और यहाँ पर जो लॉयर्स थे उन्होंने क्या कहा कि वो वहाँ पर सिर्फ गांधी जी को हेल्प करने के लिए आए हैं, और गांधी जी ही नहीं होंगे तो वो भी अपने घर वापस चले जाएंगे. वो इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो शेयर क्रॉपर्स की कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे. और इस बारे में जब राजेंद्र प्रसाद ने उन लॉयर से बात की कि जब गांधी जी एक आउटसाइडर होते हुए भी यहाँ पर इतनी दूर शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए आए हैं, तो ये लॉयर्स तो चंपारण के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, बिल्कुल पास के डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, और अगर यही ऐसा करेंगे तो ये बहुत ही शेमफुल होगा उनके पार्ट पर. और ये सब सुनने के बाद जो हमारे जो लॉयर्स थे उन सब ने क्या डिसाइड किया कि वो भी अगर गांधी जी जेल जाएंगे तो वो भी गांधी जी के साथ जेल जाएंगे. और इस तरीके से गांधी जी जो है, जब गांधी जी को उनके डिसीजन का पता चला तो गांधी जी ने क्या कहा कि इसका मतलब तो क्या है कि जो हम समझो हम चंपारण को जीत गए हैं, राइट. तो इस तरीके से एक लिस्ट उन्होंने तैयार की कि किस तरीके से पेन पेपर से उन्होंने लिस्ट तैयार की कि किस किस ग्रुप में जो लोग हैं वो जेल में जाएंगे, अपनी जो है वो गिरफ्तारी देंगे. तो इस तरीके से गांधी जी ने जो है, आपने सुना होगा, जेल भरो आंदोलन, वो इस तरीके से शुरुआत की, जिससे कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस तरीके वो समझ ना पाए या फिर वो इतने उनके सामने विवश हो जाएं जो सही बात है उसको मानने के लिए.